मंडवाडी कंदवा खैरा मार्ग पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से 11 वर्षीय बालक की मौत हो गई। मंडवाडी क्षेत्र के कंदवा खैरा मार्ग पर शनिवार की सुबह लगभग 9 बजे बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से 11 वर्षीय बालक की मौत हो गई। मौके से चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार कंदवा दलित बस्ती निवासी सिद्धार्थ कक्षा 3 का छात्र था। शनिवार की सुबह लगभग 9 बजे वो किसी कार्यवश साइकिल लेकर निकला। अभी वो कंदवा से खैरा जाने वाले मार्ग पर पहुंचा था, तभी कंदवा की तरफ से आ रहे बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह, बरेगा चौकी इंचार्ज विनोद पटेल तथा उप निरीक्षक ब्रजेश सिंह, मनोज कुमार सहित अन्य पुलिस कर्मी भी पहुंच गए। मंडवाडी थाना प्रभारी ने परिजनों को समझा बुझा कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। बहने था हमारा गया सुबह, सुने कि साइकिल से गया था सामान लेने, शाम में घर देख लीजिए, हाँ साइकिल से सामान लेने गया था, उसी समय ट्रैक्टर आया उसको ऊपर चढ़ा दिया कंदवा पोखरा के पास। बच्चा क्या करता है? बच्चा पढ़ाई करता है। कितनी क्लास में था? 3 क्लास। क्या नाम था बच्चे? सिद्धार्थ। कितने भाई बहन थे बच्चे? 5वां। किस नंबर पे था बच्चा? 2 नंबर से अलग अलग। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी वही राजगिरी का। इनके मम्मी पापा थे? मेरी मम्मी तो नहीं थी, पापा तो पूना पे पूना गए, मम्मी थी वो भी काम करने जाती है, घर में कोई नहीं था, बड़ा भाई था। कैसे पता लगा, कैसे सूचना लगा? सूचना लगा कोई बड़ा वाला भाई तो पता चला। तो क्या बताया आप लोगों से? क्या बोला बच्चा? हमको तो फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे ऐसा बात है, ट्रैक्टर वाला मार दिया है। उसके बाद हम लोग आए थे यहाँ पर डिस्पैच कर दिया। ट्रैक्टर वाला कहाँ भाग गया? ट्रैक्टर वाला तो भाग गया, ड्राइवर भाग गया, ट्रैक्टर खड़ी है, पुलिस ने पकड़ लिया।